तो अब से कुछ ही घंटों बाद शुरू होने जा रहा है इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए, बिना कहीं पर भी स्किप किए आपको बताएंगे कब चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब दिखाई देगा। ये सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखते रहिए। और हाँ, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से कार्य आपको चंद्र ग्रहण के दौरान करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे और कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते जाइए इस चंद्र ग्रहण के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये चंद्र ग्रहण रात 11:16 से शुरू होकर कल सुबह 2:32 यानी कि 5 जून से शुरू होकर 6 जून तक चलने वाला है। और आपको यह भी बता दें कि रात 12:54 पर सबसे अधिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा और इस समय चांद पूरी तरीके से धरती के पीछे छुप जाएगा और इसी वजह से 12:54 पर चांद पूरी तरीके से काला नजर आएगा। काला पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज उपछाया वाला चंद्र ग्रहण है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो छाया वाले चंद्र ग्रहण में चांद थोड़ा बहुत अलग नजर आता है सामान्य चांद से, यानी कि कुछ मटमैला सा नजर आता है चंद्र ग्रहण के दौरान चांद। तो चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कुछ बातों का पालन करना चाहिए और कुछ चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, खाना वही नहीं खाना चाहिए जो पहले से बना हुआ है, जिसे चंद्र ग्रहण से पहले बना के रखा है। और आप चंद्र ग्रहण शुरू होने के 1 या 1.5 घंटे बाद अगर खाना चाहते हैं तो नहीं खाइए, क्योंकि ऐसे में जो हानिकारक रेडिएशंस आती है वो सीधे धरती पर आकर सबसे पहले खाने को और खाद्य वस्तुओं को खराब कर देती है। और अगर माना जाए तो चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे जल्दी खाना खराब होता है, यानी कि आम दिनों से बहुत ज्यादा जल्दी खराब होता है खाना, और इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान हमें बोल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए, साथ ही में पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन रुकिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वैज्ञानिक कारणों की। तो आपको बता दें, पानी आप पी सकते हैं अगर बोतल में पैक हो, कैंपर में बंद हो, या फिर आपने मटकी में रख के रखा हो जिसके ऊपर प्रॉपर ढक भी है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका पानी खुला पड़ा है, किसी गड्ढे में खुला पड़ा है या फिर बोतल में पानी खुला पड़ा है, तो आपको ऐसा पानी चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि आप चंद्र ग्रहण को सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, इसलिए आप चंद्र ग्रहण को सीधी आंखों से देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सूरज ग्रहण के समय ही लागू होता है और हमें सीधी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और आपको बता दें, गर्भवती महिलाएं जो भी है उन्हें घर से बाहर खुले में या आंगन पर कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय आ रही हानिकारक किरणें सीधा अंदर पल रहे बच्चे पर अपना हानिकारक प्रभाव डालती है। तो ये सारी बातें हैं जो इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।